नमस्कार दोस्तों, आज आपको आईपीएल के बारे में कुछ अपडेट दूंगा। आईपीएल जो मैच स्टार्ट हो गया है, मेरे कई ऑडियंस आईपीएल को देखते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो आज आपको आईपीएल के बारे में बताऊंगा। जो जियो सिनेमा पर, आप सबको पता है जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री में दिखा रहा है, कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंटरनेट की, डेटा की, जो कि आपका डेटा खत्म हो जाता है। क्योंकि शाम के टाइम आज का मैच है 3:30 से और शाम को 7:30 से मैच स्टार्ट होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेटा हमारा। क्योंकि 400-500 MB, 700 MB तक तो आप मॉर्निंग में इसको यूज कर लेते हैं, और लगभग 1.5 GB 2 GB हमें टोटल डाटा मिलता है, जिसमें से हम मैच पूरा नहीं देख पाते हैं। तो आज आपको बताऊंगा 500 से 700 MB में आप अपना मैच पूरा देख सकते हो। तो बेसिक से आपको पूरी रिचार्ज पूरी अपडेट दूंगा, क्योंकि आपको जो प्लान होता है रेगुलर में, उसमें आपको 2 GB या 1.5 GB इंटरनेट मिलता है, जिससे आप रिचार्ज करवाना पड़ता है। जियो सिनेमा ऐप पर आपको जो आईपीएल है वो फ्री दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेटा की, जो कि डेटा आपको परचेज करना पड़ेगा। क्योंकि आपको रेगुलरली 1.5 GB या 2 GB रेगुलर मिलता है, वो आपसे सुबह में ही खर्च हो जाता है, या यूज कर ले तो सुबह में आपको उस डेटा को यूज कर ले तो आपके पास कुछ ही डेटा बचता है, तो आप उसको मैच को पूरा नहीं देख पाते। तो इसलिए आपको कुछ प्लान खरीदना पड़ता है, जो बेसिक से आपको डेटा 5-6 GB या एक्स्ट्रा आपको जो मंथली रिचार्ज होता है वो रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो बेसिक से आपको मैं डिटेल बताऊं कि आपकी कम डेटा में आप मैच को अच्छी तरह से पूरा मैच देख सकते हो। तो जिसकी बारे में आपको बताऊंगा, जो कि मैच वॉचिंग आईपीएल 2000 फ्री ऑन जियो सिनेमा पर आप मैच फ्री देख सकते हो। तो इस प्रकार से कितना कितना यूज होगा, प्रति मैच आपका कितना डेटा यूज होगा, उसको बेसिक से डिटेल बताऊंगा। कि आपको अगर 4K अल्ट्रा आप में देखना चाहते हो, कि 4K अल्ट्रा HD वीडियो में देखना चाहते हो, तो आपका डेटा खत्म होगा 25 GB प्रति मैच, 25 GB प्रति मैच। अगर आप फुल HD में देखना चाहते हो तो 12 GB आपका प्रति मैच, एक मैच का आपका डेटा यूज होगा। और हाई HD में देखना चाहते हो तो आपका 2.5 GB 2.5 GB डेटा यूज होगा, और अगर आप हाई में देखना चाहते हो तो 1.5-1.5 GB आपका प्रति मैच का आपका डेटा यूज होगा। तो बेसिक से मैं आपको डिटेल बता दूं कि आप कम डेटा में आप मैच देख सकते हो। तो बेसिक से आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप एक ऐसी उपाय बताऊंगा, एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा, जिस सेटिंग को ऑन करके आप कम डेटा से भी आप 500, 700, 800 MB तक आपके अगर नेट बची हुई है, इंटरनेट बचा हुआ है, तो उससे आप पूरा मैच देख सकते हो। तो इसके जियो सिनेमा पर आईपीएल स्ट्रीमिंग के कुछ फीचर्स है, जो नए फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो 12 भाषाओं में अवेलेबल है, जो सिनेमा पर स्ट्रीमिंग के फीचर है वो 12 भाषाओं में अवेलेबल है। नंबर 1 तो 4K अल्ट्रा HD वीडियो के माध्यम से आप क्वालिटी से आपको वीडियो देख सकते हो, और 300 डिग्री एंगल में देख सकेंगे। इस बार जियो सिनेमा पर 360 डिग्री एंगल में आप मैच देख सकेंगे। जियो लाइव से क्लियर कमेंट्री सुन सकेंगे, जियो लाइव से क्लियर कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगी। जियो ग्लास से 4K वीडियो देख सकेंगे, जियो ग्लास से 4K वीडियो देख सकेंगे, जो आपको मैंने बताया 25 GB डेटा यूज होगा आपका। और हाइप मोड में आपको आंकड़े दिखेंगे, जो आपको रन वगैरह जो स्कोर होता है वो आपको दिखाई देंगे। और अमिताभ बच्चन पूछेंगे लाइव स्ट्रीम में, लाइव में आपको अमिताभ बच्चन पूछेंगे क्विज क्वेश्चन, ये आपको फीचर दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छे फीचर है। और आपको जो बेसिक से डेटा यूज होता है वो बता दिया मैंने। अब आपका आता है रिचार्ज प्लान। आपको सबसे बड़ी बात है, जब आप भी रिचार्ज करते हो तो जियो सिनेमा पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है पॉपुलर, जो आप परमानेंट आपका रिचार्ज होता है। इसके बाद आपको पर्सनल क्रिकेट प्लान का आपको रिचार्ज दे रखा है, मतलब यही पैसा कमाने का तरीका है। फ्री में आपको मैच नहीं दिखाया जाएगा, जियो सिनेमा पर मैच फ्री में दिख रहा है लेकिन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपका इंटरनेट या डेटा जो बहुत ही ज़्यादा खपत होगा, मतलब 500 से 600 KB प्रति सेकेंड की स्पीड से चलेगा, तो आप लगभग 3 से 4 GB तक आपका डेटा यूज होगा। तो आपको मैं बेसिक डिटेल वीडियो के एंड में बताऊंगी, ताकि आप कम डेटा से भी मैच फ्री में देख सकते हो। इसका मैं पहले प्लान बताऊंगा, क्रिकेट प्लान है कि 222 रुपये में आप 50 GB डेटा मिलेगा, जो कि 30 दिनों के लिए वैलिडिटी है। तो आप इसमें 14 दिनों की वैलिडिटी है, 14 दिनों में आपका कुछ नहीं होगा मैच, तो लगभग 2 महीनों तक चलेगा। और 444 का प्लान है 60 डेज का, जिसमें आपको 100 GB मिलेगा रेगुलर
लगभग 1.5 GB 1.5 GB आपको रेगुलर मिल रहा है, मतलब इसमें आपका काम हो जाएगा। मतलब कि 444 आपको 60 डेज में, मतलब 500 रुपये तक आपका खर्च होगा। तो 500 रुपये में आप खर्च करके पूरा मैच देख सकते हो। इससे बेटर तो जो आप पहले रिचार्ज करके 399 में 1 साल तक प्रीपेड करके आप जो प्लान लेते थे वो बेस्ट थे। और भी बहुत सारे फीचर है। आप अगर आपको जो आपको नीचे दिख रहा है, अगर आप इमरजेंसी में आपको कुछ डेटा चाहिए 5-6 GB, तो आपको ये 61 रुपये वाला या 15 रुपये वाला यूज़ करके आप आसानी से मैच देख सकते हो। एक प्लान और दिया इसने डेटा एड ऑन का। डेटा एड ऑन में क्या है, अभी रिचार्ज दे रखा है 222 का, 444 का, 555। 555 में आपको मिलेगा कि एक तो जियो सिनेमा पर लाइव T20 क्रिकेट मैच दिखा, और जियो टीवी जो आपको डेली देखते हैं जियो सिनेमा पर। तो इसमें आपको मैं बेसिक से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेट का कम यूज करके, कम आपका डेटा खपत करके आप अगर छहना आप मैच पूरा देखना चाहते हो, तो बेसिक से आपको 2 या 3 GB की अगर इमरजेंसी में आपको मैच एंड नहीं हुआ, आपका डेटा ख़त्म हो गया, तो आप उसको प्लान को खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी सेटिंग है आपकी मोबाइल की सेटिंग में जाकर के आपको जो साइड में दिख रहा है, जो आपका 4G फ़ोन है या 5G फ़ोन है, इसको आप 3G में कर लीजिए। 4G या 5G आपका फ़ोन है तो इसको 3G में सेटिंग कर लीजिए। आपका नेट धीरे धीरे, इंटरनेट जो भी डेटा वो धीरे धीरे ख़त्म होगा और आप आसानी से मैच भी देख सकते। बहुत ही अच्छी डिटेल है। और जो भी क्रिकेट मैच को देखना चाहते हो, पसंद करते हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।